आई एम एच के मिश्रा एंड आई वेलकम यू। जब हम किसी से मिलते हैं, शुरू शुरू में मिलते हैं, तो हम क्या कहते हैं? अंग्रेजी सीखें। क्यों? क्योंकि हमें इसकी बेहद और बेहद जरूरत होती है। अंग्रेजी में अभिवादन की, किसी से मिलने पर बातचीत अंग्रेजी में कैसे करें, ये एक समस्या है। इसका समाधान कुछ हद तक मैंने करने की कोशिश की है। देखें, रोजाना प्रयोग में आने वाले वाक्य, डेली यूज सेंटेंसेस, किसी से मिलने पर, किसी से भेंट होने पर, अभिवादन के साथ साथ और क्या बोलें, अभिवादन कैसे करें, गुड मॉर्निंग कब कहें, गुड आफ्टरनून कब कहें, गुड नाइट कब कहें, गुड इवनिंग कब कहें, ये बहुत ज्यादा जरूरी है सीखना। देखिए, गुड मॉर्निंग कब कहा जाएगा, और सर या मैडम कहा जाएगा, महिला है तो मैडम कहा जाएगा, पुरुष है तो सर कहा जाएगा बड़े के लिए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग कितने से कितने बजे तक कहा जाएगा? रात के 12 बजे से लेकर 12 बजे के बाद, और सुबह 12 बजे से पहले, सुबह 12 बजे से पहले यानी 12 घंटे हो गए, इस बीच गुड मॉर्निंग बोलना है। गुड आफ्टरनून 12 बजे के बाद शाम के 5 बजे तक गुड आफ्टरनून कहना है, और गुड नाइट जाते समय, सोते समय कहते हैं, जब आप विदा ले रहे हैं रात की, तब गुड नाइट कहा जाता है। किसी भी समय गुड नाइट नहीं कहा जाता है, मिलने पर कभी भी गुड नाइट नहीं कहा जाएगा, गुड इवनिंग कहा जाएगा, गुड नाइट, गुड बाय किसी भी समय कह सकते हैं, गुड डे दिन के समय कभी भी कह सकते हैं, गुड बाय हर समय कह सकते हैं दिन और रात। तो इस तरीके से हम अभिवादन करते हैं, अर्थात दूसरों को शुभकामनाएं देते हैं, वो भी दूसरे तरफ से भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग ऐसे कहा जाता है। अब देखें, आप कैसे हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं, शॉर्ट में लिखा जाएगा एच ए वाई, हाय। हाय का अर्थ है हाउ आर यू, आप कैसे हैं। आपकी दुआओं से अच्छा हूं, भाई आपकी दुआएं हैं सब। जब हम ऐसे कहते हैं तो अंग्रेजी में कैसे कहेंगे इस बात को? अरे सब आपकी दुआ है, आपकी दुआ से सब अच्छा है, सब अच्छा चल गया है, सब आपकी दुआएं हैं। देखिए, फाइन पहले बोलेंगे अच्छा हूं, फाइन, एंजॉइंग योर ब्लेसिंग्स, सब आपकी दुआएं हैं, मैं आनंद ले रहा हूं, आनंद में हूं। देखें, ईश्वर की कृपा से अच्छा हूं, यदि आपको ये कहना है भगवान की कृपा है भाई, भगवान की कृपा से अच्छा हूं, फाइन, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड या बाय गॉड्स ग्रेस, बाय गॉड्स ग्रेस या फाइन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, फाइन माने अच्छा हूं, अच्छा खासा हूं। आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू। सी का अर्थ देखना ही नहीं होता है, सी का अर्थ मिलना भी होता है। आई वॉन्ट टू सी हिम, मैं उससे मिलना चाहता हूं, ये अर्थ होता है। सी माने देखना भी होता है, फिल्म देखने के लिए दो शब्द आते, टीवी और फिल्म देखने के लिए सी और वॉच दोनों शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू, मैं आपसे मिलकर मैं बड़ा प्रसन्न हूं, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई, यह मेरे लिए खुशी की बात है। अब कोई कहता है थैंक्स आपसे, कि भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इट इज माई प्लेजर, इट द प्लेजर इज माइन, अगर आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलनी है, प्लेजर इज माइन, दा लगाओ मत, प्लेजर इज माइन, सौभाग्य की बात है मेरे लिए, इट इज ए प्लेजर फॉर मी, मेरे लिए सौभाग्य की बात है भाई। तो ये मैंने दोनों सेंटेंस लिखे हैं। हम बहुत दिन बाद मिले हैं, इट इज ए लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, जरूरी है ये बिल्कुल सेंटेंस 100% आपको आना चाहिए। इट इज ए लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, हम बहुत दिनों बाद मिले हैं भाई, बहुत एक साल हो गया, कोरोना में तो मिले ही नहीं, कोई किसी से नहीं मिला। तो ये सेंटेंस अब बेहद जरूरी है,
भाई बहुत दिनों बाद मिले, और वाकई में लोग बहुत बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। आप मथुरा से कब लौटे? When did you get back from मथुरा? आप मथुरा की जगह कोई भी हो सकता है, मुरादाबाद हो सकता है, संभल हो सकता है, और बहुत सारी जगह, दिल्ली, बॉम्बे, कैलकटा, बहुत सारी जगह हो सकती हैं। When did you get back? कब वापस आए? From माने से, मथुरा, मथुरा से कब वापस आए? अब देखें, आज ही, इट इज ओनली टुडे, आज ही आया भैया, इट इज ओनली टुडे, आओ चलें, लेट अस गो नाउ, आओ चलें, कहीं इधर उधर बैठें, चलें, बातचीत करें, कृपया थोड़ी देर बैठिए, इसकी अंग्रेजी देखें, प्लीज सिट ए लिटिल मोर। हम कहते ही हैं, जब मेहमान चलने को कहते हैं कि भाई हम चलें, लेट अस गो नाउ, आओ हम चले अब, तो आप कहती है थोड़ी देर और बैठिए, ऐसी भी क्या बात है, प्लीज सिट ए लिटिल मोर, ये अंग्रेजी होगी इसकी। मुझे आपसे कुछ जरूरी काम था, याद आ गया काम, अरे याद आया, आपसे जरूरी काम था यार, प्लीज नहीं, आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विद यू, तुमसे, आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, आपसे कुछ जरूरी काम था, आई हैड एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, और यदि कहना है मुझे आपसे जरूरी काम है, आई हैव लगा देंगे हैड की जगह, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क विद यू, मुझे आपसे बहुत जरूरी काम है। औपचारिकता छोड़ो यार, औपचारिकता छोड़ो, बताओ बात क्या है, काम क्या है, ये तो बताओ, नीड नॉट बी फॉर्मल, औपचारिकता छोड़ो यार, टेल मी व्हाट इज द मैटर, बताओ क्या बात है, माफ कीजिए मैंने आपको तकलीफ दी, सॉरी आई हैव ट्रबल्ड यू। अब किसी के यहां कोई बेटाइम पहुंच जाए, क्या किसी के यहां भी जाकर के हम कहते हैं, जब किसी से मिलने जाते हैं अचानक बिना फोन किए, यार मैंने तो आपको बेकार में तकलीफ दी यार, सॉरी माफ कीजिए, आई हैव ट्रबल्ड यू, मैंने आपको परेशान किया, फॉर नथिंग, बेकार में, फालतू में, फॉर नथिंग अंग्रेजी होती है उसकी। अब देखें, बिल्कुल नहीं, मुझे तो खुशी हुई आप आए हमारे घर, तो मुझे तो खुशी हुई, नॉट एट ऑल, कोई तकलीफ नहीं दी आपने, नॉट एट ऑल, इट इज माई प्लेजर, अरे मुझे तो बल्कि आपके आने से बहुत खुशी हुई, कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।